अब देखिए, कांग्रेस आलाकमान इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने जा रहा है। बाकायदा कांग्रेस ने अपना ऑफिशियल स्टैंड क्लियर कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और इसीलिए कांग्रेस फिलहाल अपने इस स्टैंड पर फंसती हुई नजर आ रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस हाईकमान तो दूरी बना ही रहा है। देश के सभी शंकराचार्य भी इस कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इनका यह कहना है कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना न्यायोचित और धर्म सम्मत नहीं है। वहीं शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद भी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्ति का लोकार्पण करेंगे, उसे स्पर्श करेंगे, मैं वहां ताली बजाकर जय जयकार करूंगा। तो इन दोनों चेहरों को लेकर, शंकराचार्यों को लेकर ही अब सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने यह बहाना दिया है या कांग्रेस ने अपने ना जाने की जो वजह बताई है उसमें बड़ी वजह यह बताई है कि शंकराचार्य इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। जब शंकराचार्य ये मानते हैं कि मंदिर अभी आधा अधूरा है, इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए था, तो बीजेपी किस हक से इस मंदिर का उद्घाटन कर रही है? दरअसल बीजेपी 2024 में वोटों का लाभ लेना चाहती है, इसीलिए इस मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। यह आरोप कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस नेताओं के पुराने बयान, कांग्रेस नेताओं के नए बयान, कांग्रेस में हो रही दोफाड़ कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ा सकती है। जब हमारे धर्मगुरु ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे इस आयोजन को पूरी तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का नेता बना दिया है, जब शंकराचार्य जी नहीं जा रहे हैं, बात वही है। हमें दृढ़ता से हमारे देश जो सनातनी परंपराएं चली जा रही हैं, जो वैदिक परंपराएं चली जा रही हैं, जो हमारे धर्म गुरु का अपमान किया जा रहा है और धर्म गुरु को आपस में लड़ाया जा रहा है, रामानंद संप्रदाय से शंकराचार्य जी को लड़ाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। और इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जब मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो भी उद्घाटन किस बात का हो रहा है? जब मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो बीच में क्यों किया जा रहा है? अरे मंदिर का उद्घाटन कराने चाहते थे आप, प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते थे, तो फिर रामनवमी पर क्यों नहीं करा रहे हैं? अब जिस दिन राम, भगवान राम का जन्म हुआ है, उस दिन आप क्यों नहीं करा रहे हैं? इनका उद्देश्य धर्म नहीं है, इनका उद्देश्य राजनीतिक है। लोकसभा का 2024 का चुनाव